अरे सुमंत रथ हो गए। सूर्यास्त होने को आया, आप लोग कब तक हमारे पीछे इस तरह आएंगे? केवल 14 वर्ष तक। नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप लोग वापस लौट जाइए। हे राम, उचित और अनुचित सोचने का समय बीत चुका है। हम यह दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आप ही हमारे राजा हैं। आप जहां रहेंगे उस स्थान को हम अपनी राजधानी बनाकर आपकी सेवा में रहेंगे। बस हम आपको कोई दुख नहीं देंगे। जितना हो सकेगा हम अपने राजा राम और रानी सीता को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। क्या यह भी अनुचित है? हाँ है, क्योंकि इससे माता कैकेयी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वो मुझे अयोध्या वासियों को भड़काने का अपराधी भी मान सकती हैं। यदि आप लोगों की देखा देखी और लोग भी अयोध्या छोड़कर आ गए तो भरत क्या सोचेगा? सोचने दीजिए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। राम, भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं दुत्कारता, उनकी सेवा के आगे वो भी झुक जाता है। और उसी प्रकार आपको हमारी बात माननी पड़ेगी राम। और ये भी सुन लीजिए, हमारा निश्चय अटल है। अटल है, हमारा निश्चय अटल है। 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 अच्छी बात है, अभी तो सूर्यास्त होने को आया, सबके संध्या वंदन का समय हो गया। आज रात यहीं तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं, प्रातः उठकर कोई निर्णय लेंगे। आरे सुमन जी, घोड़े खोल दीजिए। जो आज्ञा महाराज।